राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के द्वारा जिलाध्यक्ष उमेश राय, प्रदेश महासचिव बद्रीआलम बदर, जिला कोषाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद शाह, दरभंगा महानगर अध्यक्ष रामाशंकर साहनी, सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष वासिद ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि जिला परिषद चुनाव के बाद जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव एवं अपने अपने सहयोगियों द्वारा उत्पन्न की गई अणगल बयानबाजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद के जिला अध्यक्ष दरभंगा उमेश राय ने कहा कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी का राजनीतिक हाशिए पर चले जाने के बाद मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व महापौर बद्रीआलम बदर ने कहा कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी, राष्ट्रीय जनता दल पर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर उनको झांकना चाहिए कि राजनीतिक जीवन में उनको राजद ने पूरी शक्ति देने का काम किया और वे दल के पुराने निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता और नेताओं को किनारे लगाते रहे। रामाशंकर साहनी अध्यक्ष राजद महानगर दरभंगा ने कहा कि राजनीतिकों को राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। आरजेडी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दल के लोग ही दल में के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि दल के साथ गद्दारी इन्होंने 30 साल से शुरू किया है। जब से एमपी हुए तब से ये दल के साथ गद्दारी किया और दल को घून के तरह से और कार्यकर्ताओं को मजबूर करके जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको दल छोड़ करके जाना पड़ा है। और ये आज जो ये दल इनको टिकट एक बार नहीं, 7 बार चुनाव लड़े तो बड़े अच्छे थे, लेकिन एक बार इनको टिकट नहीं मिला तो ये दल बहुत खराब हो गया और इस दल से उदल से उदल अपना टहलना शुरू कर दिए। और अब आप नसीहत देते हैं कि दल में हमको आरजेडी को क्या करना चाहिए। दल के लोग तय करेंगे कि दल को क्या करना है, कि कौन कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दल में रहते करना चाहिए था। ये अब हमको सलाह कहा है, वो तो देना जदयू को सलाह कि कौन क्या करना है। उनको कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, तो इस हैसियत से आपका क्या कहना है? दल में बड़ी निष्ठा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और आदमी जो निष्ठा नहीं होगा, निष्ठावान नहीं होगा, उसका कोई औकात और हैसियत नहीं होगा। लेकिन वो फिर कैसे यहाँ से 5 बार एमपी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, 7 बार चुनाव लड़े, कैसे रहे, कैसे रहे? इसलिए उस समय विश्वास था लालू यादव को कि ये आदमी विश्वास से हमारा काम करेगा। और आज की स्थिति यही स्थिति पहले से भी थी कि इसने जो यहाँ जितने भी जो यहाँ के कैंडिडेट होते थे, चाहे महबूब खान हो, चाहे उससे पहले उनका क्या नाम था, मोहसिन साहब थे, या कफील अहमद थे, या जो भी दल के लोग थे, सारे लोग ये सुल्तान अंसारी का टिकट जीता हुआ ग्राउंड लेवल का जो वर्कर से लीडर बना था, एमएलए बना था, वो जीता हुआ आदमी का टिकट उसको कटवा दिया थे। आप क्या कह रहे हैं कि जदयू में है कि ये राजद को नसीहत देना बंद करें, वो जदयू को नसीहत दे, आरजेडी को उनके नसीहत की जरूरत नहीं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।